नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने लगवाया कोविड 19 का टीका। जिलाधिकारी बलरामपुर ने की अपील, कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर जिनका नाम टीकाकरण सूची में है अवश्य टीकाकरण करवाएं। अपर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी बलरामपुर सदर सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया कोविड 19 टीका। आज दिनांक 5 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड 19 टीकाकरण के तहत पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति द्वारा टीकाकरण स्थल रिश्ता दरबार में पहुंचकर समस्त निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए टीकाकरण करवाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त फ्रंटलाइन वर्कर जिनका नाम टीकाकरण सूची में है अवश्य टीकाकरण करवाएं जाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड 19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान टीकाकरण स्थल रिश्ता दरबार में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, उप जिलाधिकारी बलरामपुर सादर नागेंद्र नाथ यादव, तहसीलदार बलरामपुर सहित कलेक्ट्रेट कर्मचारी व राजस्व कर्मचारियों पुलिस कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण करवाया गया। पीएम बलरामपुर, आज मेरा फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसी क्रम में मुझे टीका लगा है। मैं मेरी सबसे अपील है, जिनका भी नाम बेनिफिशरी लिस्ट में है जो आज और आने वाले दिनों में लगेगा, सब आकर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।